नमस्कार दोस्तों, मैं वासु पटेल। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। और आज के इस वीडियो पे मैं बहुत ही खास जानकारी लेकर आया हूँ, तो वीडियो पूरा देखना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बेंजो के बारे में, केसियो के बारे में, हारमोनियम के बारे में इस पे खास खास जानकारी मैं देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ट्यूनिंग वाला ये मेरा तीसरा वीडियो है और इसको ध्यान से देखिएगा। इसके पहले का जो दो वीडियो आप लोग नहीं देखे हो तो पिछले वाले वीडियो पे उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दे रहूंगा। चलिए ये वीडियो चालू करते हैं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास बटन वाला बेंजो है तो भी इसी फॉर्मूले को अपनाकर उसमें भी ट्यूनिंग कर सकते हैं। तो आज मैं काली तीन और काली चार पे ट्यूनिंग करके बताऊंगा बेंजो को, और उसके झाला और स्वर मंडल को भी कैसे ट्यून करेंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले पिच लैब लाइट आपको डाउनलोड कर लेना होगा, एप्लीकेशन पिच लैब लाइट। ठीक है, तो उस पे हम लोग ट्यून करेंगे। अगर आपके पास दूसरा एप्लीकेशन है ट्यूनिंग करने का तो भी कोई बात नहीं, उस पे भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, चालू करते हैं आज का वीडियो। अब मैं जो बात बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना और उसको दिमाग पे बसाना। ठीक है, अगर हम कोई भी जगह को सा बनाते हैं, इधर स्केल पहले फिक्स करना होता है बेंजो बजाने के लिए, एक स्केल फिक्स करते हैं। केसियो में हमारा जैसे कि काली एक, काली दो, काली तीन, काली चार, काली पांच होता है, तो केसियो में अगर हम स्केल फिक्स करते हैं, जैसे कि हम ये मानते हैं कि हम काली तीन से गाना बजाएंगे, तो यहां पर भी हमको बेंजो पे ये मानना होता है कि हम काली तीन से बजाएं कि चार से बजाएं। तो चलिए हम स्केल कैसे फिक्स किया जाता है ये आपको मैं पहले बता देता हूं। यहां पास को मैंने काली चार बनाया है। अब काली चार मैंने कैसे बनाया है इसको आपको बता देता हूं। केसियो के काली चार वाले बटन को दबाना, अपने ट्यूनर ऐप को रखना। ठीक है, केसियो के काली चार वाले बटन को दबाए रहना, प्रेस करके रखना, और ट्यूनर ऐप में काली चार में जिस वाले ट्यूनर ऐप में काली चार को जब कीबोर्ड पे जब दबाओगे तो ट्यूनर ऐप में जो बताएगा, काली चार को जब आप लोग दबाओगे तो ट्यूनर ऐप में बताएगा एप, ट्यूनर ऐप में बताएगा जी शार्प। काली चार में जब आप दबाओगे तो ट्यूनर ऐप में जी शार्प बताएगा। तो मैंने यहां पास को जी शार्प में ट्यून कर दिया है, जी शार्प यहां को मैंने बना दिया तार को कस के। तो जी शार्प अगर मैंने यहां पास को बना दिया और काली चार को दबाए हैं तो भी जी शार्प है, तो वहां को मैंने ट्रांसपोर्ट करके यहां ला दिया, यानी कि जी शार्प ये बन गए। अब मैं केसियो पे काली चार पे बजाऊंगा, वही गाना मैं यहां पास से बजाऊंगा काली चार, यानी कि केसियो और बेंजो को एक साथ बजाएंगे, सेम गाने को एक साथ बजाएंगे। तो मैं यहां से बजाऊंगा और केसियो वाला जो बंदा है यहां से बजाएगा काली चार से, तो दोनों सेम टू सेम बजेगा। ये होता है ट्यूनिंग का महत्व। तो ट्यूनिंग हम स्केल फिक्स कर दिए, काली चार मैंने यहां पास को बनाया, यानी कि जी शार्प बना है ये जगह। अब जी शार्प कैसे बनेगा ये भी मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से सुनते रहिएगा। तो एक बात और ध्यान में रखना, अगर हम कोई भी जगह को सा बना रहे हैं तो ध्यान रखना कि हमें इस तरफ लास्ट तक जाते तक हमको पा बटन मिलना चाहिए, यानी कि पा उधर हमारे आना चाहिए। ठीक है, बेंजो के अंदर जैसे कि मैंने अगर यहां पास को सा बना दिया, ये सा है तो ये बन गया नी, ये कोमल नी, ये बन जाएगा धा, ये बन जाएगा कोमल धा, तो प बचन है क्योंकि ये मेरा लास्ट बटन है। और बटन वाले बेंजो पे ऐसा दिया होता है, ये बटन नहीं रहता है तो भी आप जो खुला मार रहे हो वो प बजना चाहिए। ठीक है, अगर मैं खुला मार रहा हूं तो ये प होना चाहिए, जैसे कि ये हो गया सा सा नी कोमल नी, ये हो गया धा कोमल धा कोमल धा, और ये प और ये प। अगर इसको दबा के भी मारूं तो पा, इसको दबा नहीं मारूं तो भी पा रहेगा। ठीक है, तो लास्ट हमें प तक मिलना चाहिए, ऐसे ट्यून करना। तो मैंने यहां पास को अपना सा बनाया है क्योंकि मुझे प तक बटन मिल रहा है। प तक अगर हमको बटन मिलता है नीचे तरफ तो हमसे गाना बजाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए अब ये जो काली चार मैंने बनाया है किस स्केल पे ट्यून करेंगे तो ये काली चार बनेगा। अगर आपके पास 29 बटन का बेंजो है, अगर आपके पास 27 बटन का बेंजो है, अगर 31 बटन का बेंजो है तो भी आप इधर पा तक लास्ट कर लेना। प अगर आपके पास बटन बेंजो है तो प हो गया। ठीक है, ये धा, ये कोमल धा हो गया, प छोड़ देना है, कोमल धा, धा
कोमल नी नी ये सा, यानी कि एक दो तीन चार और जो पांचवा बटन है उसको आप बना लेना सा। ठीक है, आप 29 बटन का बेंजो रहा है, 27 बटन उनका बेंजो रहा है या 31 बटन का बेंजो रहा है, हम पा तक इधर बटन छोड़ देंगे और उसके बाद हम सा बना लेंगे। तो अगर पा तक छोड़ते हो, ठीक है, खुला अगर हम डी शार्प पे ट्यून करते हैं, डी शार्प पे अगर खुला ट्यून करते हैं तो खुला जो रहेगा वो हमारा रहेगा प, प के बाद ये हमारा हो जाएगा, प के बाद ये हमारा हो जाएगा कोमल धा, ये हो जाएगा धा, ये हो जाएगा कोमल नी, ये हो जाएगा को, ये हो जाएगा शुद्ध नी, उसके बाद ये हो जाएगा हमारा सा। ठीक है, तो समझिए बात को, डी शार्प पे खुला ट्यून कर दीजिए तो यहां पास हमारा सा बनेगा, तो ये हमारा बन जाएगा जी शार्प। ठीक है, जी शार्प। तो काली चार पे हमको अगर ट्यून करना है तो खुला डी शार्प पे ट्यून कर दीजिए, और अगर आपको काली तीन बनाना है तो खुला सी शार्प पे ट्यून कर दीजिए। सी शार्प पे अगर खुला हम ट्यून करते हैं तो ये हमारा हो गया सी शार्प, उसके बाद आ जाएगा डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, एफ शार्प मतलब काली तीन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, और अगर वीडियो पसंद, वीडियो अगर समझना है तो रिपीट करके देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा क्या बताने वाला हूं, और अगर फिर भी समझ नहीं आता है तो इस चार्ट को देखकर आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, आपका बेंजो चाहे 29 बटन का हो, 27 बटन का हो या 31 बटन का हो, अगर हम सी शार्प पे खुला ट्यून करते हैं, सी शार्प पे अगर खुला ट्यून करते हैं तो ये हमारा जो खुला मारेंगे वो पा रहेगा। ठीक है, पा रहेगा, उसके बाद जो बटन आपका आएगा, ये बटन को मैं नहीं ले रहा हूं, ठीक है, इसको ध्यान मत देना क्योंकि ये बटन टच नहीं करता है। तो खुला अगर हम सी शार्प पे ट्यून करते हैं तो हमारा पा हो गया, उसके बाद हो गया कोमल धा, उसके बाद हो गया शुद्ध धा, उसके बाद आएगा कोमल नी, उसके बाद आएगा शुद्ध नी, उसके बाद आएगा सा, तो ये हमारा सा बनेगा। और ट्यूनर ऐप पे देखना, अगर सी शार्प पे खुला ट्यून करते हो तो ये एफ शार्प आएगा, सी शार्प पे अगर खुला ट्यून कर देते हो ये हो गया डी, डी शार्प, ई, एफ, एफ शार्प, तो एफ शार्प हमारा होता है काली तीन। ठीक है, अगर हम खुला डी शार्प पे ट्यून करते हैं, खुला अगर हम डी शार्प पे ट्यून करते हैं तो जो खुला मारेंगे वो हमारा प हो गया डी शार्प, उसके बाद ये हो गया हमारा ई, एफ, एफ शार्प, जी और जी शार्प, जी शार्प यानी कि काली चार। ठीक है, ये काली चार बन जाएगा। तो ध्यान से देखिएगा, अगर खुला हम सी शार्प पे ट्यून करते तो ये हमारा प रहेगा, खुला अगर हम डी शार्प पे ट्यून करते तो ये हमारा प रहेगा, उसके बाद प के बाद आप देख लेना कोमल धा, धा, कोमल नी, नी, सा। ठीक है, अगर हम कोई भी स्केल पे ट्यून करते हैं, अगर हम काली दो पे भी ट्यून करते हैं तो काली दो के प को आप कीबोर्ड पे देख लीजिए कि प में कौन सा स्केल पे जा रहा है ट्यूनर ऐप पे। अगर काली तीन पे भी ट्यून करते हो तो कीबोर्ड के प को बटन को दबाकर देख लीजिए, फिर उसके बारे में मैं वीडियो और बना के दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे जो चार्ट है इसके हिसाब से आपको मैं बता देता हूँ। स्वर अगर हम काली चार पे मेरा ट्यून है तो काली चार पे मैं बता देता हूँ, डी शार्प पे मैंने खुला ट्यून कर दिया है तो ये जगह बना है मेरा जी शार्प। ठीक है, जी शार्प यानी कि सा मैंने यहाँ पे आपको बनाया है। आप स्वर मंडल के बारे में बता दे तो स्वर मंडल में हम सारे गामा पधा निशा लगाते हैं तो इसके हिसाब से लगाएंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ पास कोई स्केल माने हैं, काली चार बना दिए हैं तो काली चार अगर हम यहाँ पास को बनाए तो सारे गामा पधा निशा, ये सात से सात तक जो हमारा आ रहा है, ये स्केल में जो आ रहा है उसको हमको इधर लगाना है, यानी कि ये लगेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एफ शार्प, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी शार्प, डी शार्प, एफ, एफ शार्प, इधर लगेगा। ठीक है, झाला में लगेगा सा ग प, ये हमारा कॉर्ड होता है, तो ये कॉर्ड भी जो लगेगा स्केल के हिसाब से लगेगा सा ग प। ठीक है, सा ग प, ठीक है, ये जो झाला रहेगा सा ग प लगेगा, अगर चार 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 तार है तो फिर से सा लगा देना, सा ग प सा। ठीक है, ऐसे ये मैं सी शार्प का बता दिया, अब ये चार्ट को देखकर आप देख लीजिए, सी शार्प पे अगर ट्यून करते हैं खुला तो स्वर मंडल को ऐसे ट्यून करना और झाला को ऐसे ट्यून करना, अगर डी शार्प पे खुला ट्यून करते हैं स्वर मंडल को ऐसे ट्यून करना, झाला को ऐसे ट्यून करना, फिर आपका बेंजो बहुत ही बेहतरीन बजेगा। जब जब हम स्केल चेंज करते हैं तब तब हमें स्वर मंडल झाला को चेंज करना पड़ेगा, इसीलिए अगर पिछले वीडियो को देखोगे, अगर हम दो पे यहाँ पास को ट्यून करेंगे ना दो को,
अगर हम काली दो यहाँ पास को बना लेंगे तो काली तीन से हम यहाँ से बजा लेंगे, काली चार से हम यहाँ से बजा लेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, इंडी स्क्रीन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहां से जाकर आप वो वाला वीडियो देख लीजिए जिसपे हम एक बार ट्यून करके सारे स्केल पे बजा सके। अगर आप बाजा पे बजाना चाहते हैं तो आप काली तीन या काली चार फिक्स कर लीजिए जिसपे आपको अच्छा लगे। अगर आप प्रोग्राम में बजाना चाहते हैं तो यहाँ पास को काली दो बना लेना, काली दो बनाओगे तो काली तीन ये हो जाएगा, काली चार ये हो जाएगा, यानी कि प्रोग्राम में अगर कोई भी सिंगर किसी भी स्केल से गाता है तो हम तत्काल बजा लेंगे, बिना फिर ट्यूनिंग करना नहीं पड़ेगा। अगर हम काली चार या काली तीन पे फिक्स करते हैं तो हम काली, अगर काली तीन पे फिक्स कर लेते हैं तो काली दो से हम लोग नहीं बजा पाएंगे क्योंकि हमको पा तक बटन नहीं मिलेगा, ठीक है दोस्तों। तो इतना जानकारी आज के लिए काफी है, इसके बाद और जानकारी मैं दूंगा इसी के बारे में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। पिछले वीडियो को नहीं देखे हो तो जाकर देख लीजिए, और भी कोई चीज आपको समझ नहीं आता है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं उसका वीडियो बना के डाल दूंगा।